इस टाइम पे मैं गांव में हूँ, तो इस तरीके से नई नई रेसिपी बना के ज़रूर दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए एकदम नई रेसिपी है, इसे कहते हैं बड़हड़ के फूल, जिनकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। आपने पहले कभी नहीं ट्राई करी हुई, इस तरीके से ये बना के ज़रूर देखिएगा। ये यूपी में मिलती है। चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना। ये देखिए ये इस तरीके से दिखते हैं, ये देख रहे हैं एकदम जैसे कटहल होते हैं ना, वैसे इसका पेड़ होता है कटहल के जैसा, लेकिन ये फूल हैं उसके। इसमें छोटे छोटे बड़हड़ लगते हैं जैसे कहते हैं, इनको हमने इस तरीके से काट लिया है। अब इन्हें अच्छे से हम वॉश कर लेंगे पानी में, इस तरीके से अच्छे से मसलते हुए वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए इसे बॉयल करेंगे, जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। इनको अच्छे से वॉश करके रख लेंगे हम। ये देख रहे हैं ना आप कितने अच्छे लग रहे देखने में, पीले पीले फूल से। मैंने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, इसे हम 10 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। 10 मिनट बाद हम फिर से इसे चेक करेंगे। ये देखिए हम अभी चेक करते हैं इसे, देखते हैं कि हमारे अच्छे से फूल पक गए कि नहीं। ये देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं, अभी से हम प्लेट में निकालेंगे ठंडा होने के लिए। देखिए इस तरीके से मैंने फैला दिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये जल्दी ठंडे हो जाएँ, ठंडा पानी। ये देखिए ठंडे हो चुके हैं, बस इस तरीके से इसे निचोड़ लेना है, इसका सारा पानी निकाल के। ये देखिए इस तरीके से सारा पानी इसका हम निकाल लेंगे। सभी ये फूलों को हम अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब बेसन, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। ये हमने डाला धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाला इसमें मैंने, और ये हमने लाल मिर्च को, ये हरी मिर्च को अच्छे से हमने पीस लिया था। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसे मिक्स करके हम रख लेंगे। ये देखिए हल्का हल्का पानी डाल के इसको, मतलब 2 से 3 चम्मच के करीब पानी लगा था वो हमने डाला है। ये देखिए इस तरीके से बना के रख लेंगे। कढ़ाई चढ़ाई हमने, कढ़ाई में रखा है तेल, ये हमने सरसों का तेल डाला है। इसको हल्का गर्म होने देंगे, साथ ही डाल देंगे इसमें जीरा, हल्का चटकने के बाद इसमें डाल देंगे लहसुन। इसको भी कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे, जब तक इसका हल्का कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए इसका कलर हल्का हल्का चेंज होने लग गया था, इसमें डाल दिया हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं काट के, रफली चॉप किए हैं इनको, अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, बस उतना ही हमें पकाना है। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके थे, इसका कलर चेंज हो चुका था। ये जो हमने इसको अच्छे से मसाला बना के तैयार किया था, इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को रखना है मीडियम फ्लेम पर ये प्रोसेस करेंगे हमें, और इसको हमें चलाते रहना है 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही, तभी अच्छे से बनते हैं। ये देखिए इस तरीके से चला रहे हैं ना, बस इसी तरीके से इसको चलाते रहना है। इसमें और कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सारे मसाले उसी टाइम मिक्स कर लिए थे। बस इसी तरीके से ढक के फिर से हम 2 मिनट बाद फिर से इसे चलाएंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, ये पहले से ही पक चुके थे, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं, अब गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद हम। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारी रेसिपी बनके तैयार हो गई है, देख रहे हैं ना कितनी अच्छी लग रही है कलरफुल देखने में ये। ये देखिए हमने फटाफट से 5 मिनट में बना के तैयार कर ली है रेसिपी, बिल्कुल आसान है, और ये आपको यूपी में ही मिलेगी, जिसे कहते हैं हम ये बड़हर के फूल, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसका थोड़ा बहुत टेस्ट जो गुल्लू नहीं होते उसकी तरह लगते हैं। इससे रोटी पराठे किसी के साथ भी खाइए, सभी के साथ अच्छी लगती है। ये देखिए मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है, इसे मैं दिखाती हूँ आपको रोटी के साथ तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी अच्छी लग रही है देखने में ये, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट बनी है, रोटी भी एकदम मुलायम है,
और इस तरीके से रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।